इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन 53 विच वन ऑफ फॉलोइंग इज कमांड टू पब्लिक अथॉरिटी टू डू फॉर बियर डू समथिंग इन द नेचर ऑफ पब्लिक ड्यूटी मीनज इन्हों विचों केड़ी रिट किसी अथॉरिटी नू कमांड दिंदी है कि वह पब्लिक लई कुछ करे ए हैबियस कॉर्पस बी मैंडमस सी कॉर्सो वरंटो सी प्रेशियो दैन इट्स करैक्ट आंसर इज बी मैंडमस मैंडमस रिट की अथॉ ऑर्डर दिंदी है भी किसी पब्लिक सर्वेंट नू भी पब्लिक दी नेचर लई कुछ करे आपां थोड़ा जिहा होर डिस्कस कर लैंदे हां रिटां बारे हैबोक्रैपस रिट इस च की है किसी व्यक्ति नू जे पुलिस ने अरैसट कर लिया तो यह की कहती है उसनू कोर्ट दे अगे पेश करो फॉर ट्रायल्स इस तो बाद क्रो वरंटो रिट ये की कहती है किसी भी व्यक्ति नू लीगल राइट दिंदी है किसी भी पोस्ट ते काम करने लई इस तो बाद नैक्सट रिट अपने को लिए क्रेशियोरी रिट ये की कहती है किसी भी कोर्ट ऑर्डर दिंदी है निचली इनफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल नू कि वह अपने डिसीजन नू रिव्यू करन मीनज ये किस नाल रिलेटेड है जुडिशियल रिव्यू नाल इस तो बाद नैक्सट 54 नंबर क्वेश्चन हू इज़ वायसराय ऑफ इंडिया डूरिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल बंगाल की वंड दौरान इन्हों के वायसराय सी भारत का ऑप्शन ए क्रूजन ऑप्शन बी कैनिंग ऑप्शन सी मिंटो ऑप्शन सी कैलसमरम फोर्ड दैन इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए क्रूजन बंगाल की वंड के दौरान कौन वायसराय सी क्रूजन बंगाल की वंड कदों हुई सी 1905 आप थोड़ा जहा होर डिटेल बारे कर लेना इन्हों दे लॉर्ड कैनिंग दे समय दौरान की होया इस 1858 का इंडियन एक्ट पास होया जिस नाल गवर्नर जनरल की बन गया वायसराय ऑफ इंडिया ये भी एक इंपॉर्टेंट है इस तो बाद डी थोड़ा जहा लॉर्ड कैंसफरोड बारे भी ध्यान जानकारी पास देते हैं इस दे समय का किन्ना समा सी 1916 तो लैके 1921 तक इस समय दौरान की होया महत्वपूर्ण 1919 का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पास होया जिसने कि डायरची डुअल गवर्नमेंट की स्थापना करी इस तो बाद 55 नंबर क्वेश्चन द साइमन कमीशन विजिटेड द इंडिया इन द ईयर साइमन कमीशन इंडिया कदों आया ऑप्शन ए 1922 ऑप्शन बी 1928 ऑप्शन सी 1930 ऑप्शन डी 1932 दैन ऑप्शन बी 1928 च साइमन कमीशन इंडिया आया हाँ जी थोड़ा जहा ध्यान नाल साइमन कमीशन का क्यों विरोध हो रहा सी साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा सी कि जो इंडिया ने जो कौंसल चुनी गई सी अंग्रेजों द्वारा उस इंडिया वालों भारत का कोई भी मैंबर इनकलूड नहीं सी सारे उस विच अंग्रेज चुने गए सी सो साइमन कमीशन का इसलिए विरोध हो रहा सी आप थोड़िया थोड़िया इन्हां डेट्स बारे भी पढ़ लें 1922 केड़ा इंसीडेंट होया सी चोरा चोरी का इंसीडेंट होया सी जिस एक थाने नू अग लगा दिती गई सी जिस करके महात्मा गांधी जी ने जो उन्हां दा सिविल डिसओबे मूवमेंट चल रहा सी उसनू उन्होंने वापस ले लिया सी इस तो बाद
1930 च की होया सी डांडी मार्च, जिस महात्मा गांधी जी ने साल्ट बना के बनाया सी। 1932 च की होया सी, इस समय दौरान 1930 तो लैके 1932 तक तीन टेबल कॉन्फ्रेंसिस होइया सी, जिन्हों फर्स्ट राउंड, सैकेंड राउंड, थर्ड राउंड के नाम नाल जाना जाता है। इस तो बाद वेयर डिड द शिप कामागाटू मारू रीच आफ्टर द रिटर्न टू इंडिया, कहिंदे कामागाटू मारू का जहाज इंडिया चो कित्थे आके रुकिया, ए मद्रास, बी बंबई, सी कलकत्ता, डी कोची। एंड इट्स करैक्ट आंसर इज सी कलकत्ता। कामागाटू मारू का जहाज इंडिया विच कित्थे आके रुकिया, ता सी ऑप्शन कलकत्ता विखे। इस तो बाद 57 नंबर क्वेश्चन, होम रूल लीग वाज लीड बाय, होम रूल लीग की स्थापना किसने करी सी? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। एंड इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें होम रूल लीग की स्थापना करी सी। उन्हां नाल होर कौन सी? एनी बेसेंट। होम रूल की स्थापना कदों हुई सी? 1916 च। मास्टर रिमैंबर, होम रूल लीग की स्थापना कदों हुई सी? 1916 में किस किस ने करी सी? बिपिन चंद्र पाल अते एनी बेसेंट। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन अपने को आ जाता है, देश समाज वाय फाउंडेड बाय, देश समाज की स्थापना किसने करी सी? रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी शिव नारायण अग्नोत्री, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। दैन इट्स करैक्ट आंसर इज देश समाज की स्थापना किसने करी सी? ऑप्शन बी शिव नारायण अग्नोत्री ने। आप थोड़ा जहाँ होर अपडेट कर लेने नॉलेज न, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना करी सी? आंसर इज ब्रह्मो समाज। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस समाज की स्थापना करी सी? आंसर इज आर्या समाज। इस तो नैक्सट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, इंडिगो रिवोल्ट इज रिलेटड टू, नील विद्रोह किस नाल संबंधित है? ए प्रिजनर, कैदी, बी फार्मर, सी सोल्डर, डी नन ऑफ अबव। दैन इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फार्मर, फार्मर ने इंडिगो रिवोल्ट कराया सी। इस तो बाद अपने को नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है, डिफेंस लायर ऑफ द कोकरी कंसपायरी केस बाद, डिफेंस बचाऊ पक्ष के वकील कौन सन कोकरी कंसपायरी केस? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पॉइंट, ऑप्शन बी सचिन सन्याल, ऑप्शन सी रजिंदर लहरी, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल्ला। एंड इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पॉइंट ने डिफेंस वकील की भूमिका निभाई सी। हाँ जी, आप थोड़ा जिहा होर अपडेट कर लें नॉलेज नूं, कॉन्क्रीट कंस्पायरी केस किस नाल रिलेटड सी? यह एक ट्रेन की चोरी नाल रिलेटड सी। कदों होया? 9 अगस्त 1925 च होया सी। इस दे मुख्य दोषियों विच्चों राम प्रसाद बिस्मिल्ला नूं मौत की सज़ा सुनाई गई सी। उन्हां नाल होर सी आलम खान ते इस तो बाद 61 नंबर क्वेश्चन, कम्यूनिस्टी पार्टी ऑफ इंडिया वाज फाउंडड, कम्यूनिस्टी पार्टी की स्थापना इंडिया विच किसने करी? ऑप्शन ए ज्योति बासु, ऑप्शन बी पीसी जोशी, ऑप्शन टी हरकृष्ण सिंह सुरजीत, ऑप्शन डी एम एन राय। दैन इट करैक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एम एन रॉय ने
भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी की स्थापना करी। इस तो बाद लास्ट 62 नंबर क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन कांग्रेस। फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट कौन सी इंडियन कांग्रेस का? ऑप्शन ए दादाबाई नरोजी, ऑप्शन बी बदरुद्दीन त्याबाजी, ऑप्शन सी फिरोज शेख मेहता, ऑप्शन डी एम ए अंसारी। नेक्स्ट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी तबरुद्दीन त्याबाजी फर्स्ट मुस्लिम सी मुस्लिम प्रेजिडेंट सी इंडियन नैशनल कांग्रेस दे। थोड़ा जहा होर अपडेट कर लिए नॉलेज नू, दादा भाई नरोजी कदों सी प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस दे? 1906। इस तो बाद 63 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्रेडिटेड विद कंडक्टिंग लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया एंड थ्रो रिसर्च ऑन इंडियन लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स। कहिंदे इन्हां विचों किसने भारतीय भाषावां दे सर्वे करिया जिस विच उन्होंने भारतीय लैंग्वेज डायलैक्ट्स मींज किसी इलाके विच बोलण वाली विशेष लैंग्वेज ते ए बारे जानकारी प्राप्त करी? ऑप्शन ए जेसी हंटर, ऑप्शन बी हम्फ्रे मिलफोर्ड, ऑप्शन सी सर रिचर्ड, ऑप्शन डी ग्योर्गियो गिरिसन। दैन इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ग्योर्गियो गिरिसन ने भारतीय भाषावां ते सर्वे करिया। इस तो बाद लास्ट क्वेश्चन 64, लार्ज हैड्रॉन कलाइडर एक्सपैरीमेंट इज बीइंग डन। लार्ज हैड्रॉन कलाइडर एक्सपैरीमेंट कित्थे करिया जांदा है? ये किहड़ा एक्सपैरीमेंट है? इस विच यूनीवर्स की फॉर्मेशन नू जानने की कोशिश करी जाती है। दो प्रोटोन नू आपस विच बहुत तेज गति से टकरा के देखा है तो उस तो जानकारी हासिल करने की कोशिश करी है कि अपना ब्रह्मांड किवें बनिया। इस यह एक्सपैरीमेंट कित्थे करिया जा रहा है? ऑप्शन ए फ्रांस जर्मनी बॉर्डर, ऑप्शन बी स्विस जर्मनी बॉर्डर, ऑप्शन सी स्विस फ्रांस बॉर्डर, ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। दैन इट्स करैक्ट आंसर इज ऑप्शन सी स्विस फ्रांस बॉर्डर। एक्सपैरीमेंट कित्थे कराया जा रहा है? स्विस फ्रांस बॉर्डर दे जमीन दे नीचे कराया जा रहा है। हाँ जी, अज आपने नैक्सट 32 क्वेश्चन डिस्कस कर ले ने। इस तो अगली वीडियो च आप जो क्वेश्चन रह गए ने वो डिस्कस करांगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, प्लीज डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड शेयर, प्रेस द बैल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल।